दुनिया मर रहा है, मोहतरा मर रहा है, एक ही दुनिया है जिसमें बैठते हैं, कहते हैं, बचते हैं, कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, रोजगार करते हैं, मकाना उड़ाते हैं। ये तो हमारे आपके साधन हैं। एक दुनिया के बाद वह आने वाली है जिसको आखिर कहा है, बहुत उस आखिर की तैयारी हमें इस दुनिया में करनी है। देखिए इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए उसको मनाने या भान पावर का युद्ध बना दी। आप सब जानते हैं कि कितने दुनिया में आ गए हैं और कितने जा रहे हैं, कितने लोगों को हमने कफन दिया है, कितने लोगों को इन हाथों में दफनाया है और कितने लोगों के जनाजे उठा करके और कंधे बदल बदल करके बहुत बड़ा हम कब्रों में उन्हें लेके और कब्रों तक करने पहुँचा। लेकिन हम कभी ये गौर नहीं करते हैं कि किस तरीके से आज हम अपने इरादे से आए, अपना हमारा इरादा कोई नहीं हुआ। जिस तरीके से आज हमें वो चुकी है, हम खुद वो नहीं कर सकेंगे, दूसरे आदमी वो चुक रहे हैं। जिस तरीके से आज हमने खुद कपड़े पहने हैं, हम खुद कपड़े नहीं पहन सकेंगे, बल्कि दूसरे आदमी हमें कपड़े पहनाएंगे। जिस तरीके से आज हम अपने इरादे से आए हैं, अपने इरादे से नहीं जा सकेंगे, बल्कि दूसरे आदमी के कंधों पर हम कभी काम करें। कभी हमने ये गौर नहीं किया कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं जिन बच्चों को हमने दफनाया, कितने जवान हैं कितने जवानों को हमने दफनाया, कितने बूढ़े हैं जिन्हों को हमने दफनाया। लेकिन कभी हम और फिक्र ही नहीं करते अपनी जिंदगी में कि हमारा भी यही हाल है। बहुत बड़ा जब बच्चा होता है तो सोचते ही बड़ा होगा, जब बड़ा होता है सोचते ही जवान होगा, जब जवान होता है सोचते हैं ये बूढ़ा होगा। अब बदलाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बुढ़ापे का नंबर आएगा अब कौन सा नंबर आएगा? इस दुनिया से जाने के नंबर आने वाला है मोहतरम हजरात। इसी के ऊपर हम और फिक्र अगर कर लें, हमारी दुनिया की कामयाब हो चुकी है, हमारी आखिर की कामयाब है। लेकिन जिस तरीके से हमें अपनी दुनिया की चीज़ों का यकीन है, हमें बाद वाली जिंदगी का यकीन नहीं है। हमें यकीन है इस बात का कि हमारी दुनिया कब कामयाब होगी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा लिबास, अच्छी कोठी हो, अच्छी बीवी हो, अच्छी सवारी हो, अच्छी फीजा हो, अच्छी मौसम हो, तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो भाई कामयाब है नहीं है, हम समझते नहीं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जिस तरीके से हम अपनी दुनिया को समझने के लिए न किसी आलिम की जरूरत, न किसी फलसफी की जरूरत है और न किसी साइंसदान की जरूरत है, बल्कि अपनी दुनिया की जिंदगी को हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि कब कामयाब होते हैं और कब नाकाम होते हैं। बहुत रमजान हमें ये भी समझना है कि जब हम इस दुनिया में आ गए हैं, हमें इस दुनिया से जाना जरूर है। ये बात क्यों नहीं सोच प्राण अफल आया करो, अफल आता करो, अफल आता करो। इंसान के दिमाग को झुलोड़ा है उस तरीके की बात है। इस दुनिया से जाने के बाद में जो हमें जाना है, इस दुनिया के तमाम जाल से
यहाँ का दुख और तकलीफ आती है, यहाँ का राहत आराम आती है, यहाँ की तमाम चीजें आती है। लेकिन मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो और भी नहीं है, वहाँ का दुख वापस लेने वाला, वहाँ की तकलीफ वापस लेने वाली, वहाँ की परेशानियाँ वापस लेने वाली, वहाँ की इज्जत वापस लेने वाली, वहाँ की जिज्जत वापस लेने वाली। तो उस दुनिया में रहकर हमें उस दुनिया की तैयारी करनी है जिस दुनिया में हमें वो तैयारी किस तरीके से करनी है, वो तैयारी हमें ईमान के साथ में आमार के जरिए से करनी है। आमार है ईमान ईमान मजबूत होता है, जितने आमाल मजबूत होंगे उतना ही ईमान मजबूत होगा, और जितने आमाल कमजोर हो उतना ही हमारा ईमान भी कमजोर होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, एक पसंद की तरह होता है। हम देखते हैं लोगों को काम करने वालों को खुश किया जाता है, लेकिन उन्हीं दिया अल्लाह को निकाल दिया जाता है। इस तरीके से निकाल जाएगा, हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करते हैं, शादा करते हैं और पटन क्या करते हैं, तो अल्लाह के रसूल का निकालना हुआ या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बोला आप कहेंगे मुझे मालूम करें क्यों भाई निकालना होता है नहीं निकालना होता जी ब्याह में शादियों में अल्लाह के रसूल के खिलाफ करते हैं, और हम छोटे छोटे काम करने वालों को खुश करने के लिए मालूम क्या क्या करते हैं। सबसे बड़ी चीज ईमान के बाद में आमान, मैं नमाज हम काम करके तलाश करते हैं और तलाश करते करते थक जाते हैं, काम लेने कोसों दूर आगे जाने और हम कोसों दूर पीछे हट जाते हैं। कामयाबी जहाँ हमें तलाश करनी चाहिए वहाँ पर कामयाबी हम तलाश करते हैं, और जहाँ नहीं तलाश करनी है वहाँ पर हम तलाश करते हैं। देखो कामयाबी कुरान हकीम के बयान फरमा कद अफलह अल-मुमिनून अल-लज़ीना कामयाब वो आदमी है जो नमाज पढ़ते हैं और खुशू की सिफत एहसान के साथ है, नमाज पढ़ते हैं इसके लिए सिफत एहसान है कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती ये जरूर आ जाएगी कि अल्लाह ताला को हमें देख, जब हमें ये मालूम होंगे कोई तैयारी हमें देखना गलत काम नहीं करेंगे चली जाएंगे। अल्लाह ताला को आलिम गैब वो शहादत है, तो हम जब नमाज को सिफत एहसान के साथ में पढ़ेंगे अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े मसाइल और मुश्किल को जो हल किया है अल्लाह के नमाज के लिए किया। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ खाने पर तशरीफ है मालूम करते हैं करते हैं उम्र मोमिनी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से कि घर में कुछ है, अर्ज करते हैं यार रसूलल्लाह घर में तो अभी कुछ नहीं है, आप कुछ भी इंतजाम नहीं करते मस्जिद नबवी में तशरीफ लाके दो रकात नमाज नफल पढ़ने शुरू कर देते हैं, फिर तशरीफ ले जाते हैं दोनों खाने में मालूम करते हैं चाय का घर में कुछ है, अर्ज करते हैं यार रसूलल्लाह घर में तो अभी कुछ नहीं है। दो तीन मरतबा आपने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर के सवाल किया, आखिर में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने किया या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम हाँ अल्लाह का रसूल है, आपने फरमाया ये फरमाया
ये एक तकने में भी हो तो तुम अल्लाह से मांगो, तो तुम किसे मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। तस्मे से मुराद ये है तुम्हें मामूली सी चीज की भी जरूरत पड़े तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें दे देंगे, जैसा कि नबी ने करके दिखा दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जितने भी मसाइल आते थे वो नमाज की गौर करते थे, पढ़ने शुरू कर जाते थे और अल्लाह ताला उनके मसले को हल कर दिया करते। मैं मिसाल देता हूँ आपको, फिरौन फिरौन पीछे से, हाँ हाँ, हर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन सबसे बड़ा दुश्मन है, फिरौन सबसे बड़ा दुश्मन है, पीछे से मैं लश्कर के आ रहा है, आगे दरिया है, अगर दरिया पार नहीं हो रहे तो दुश्मन हमें निकल ले, क्या कहते हैं वो कुछ नहीं, ये नहीं देखते कश्मीर कहाँ जाओगे और जहाज कहाँ जाएगा, और दौर पार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला ता घबराने की जरूरत नहीं, अभी मदद आती है, चुनाचे ऐसी मदद आई कि अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा दुश्मन था आपकी बद्दुआ से दरिया में कर दिया, और ये सारी क्या जो अल्लाह ताला से मांगेगा अल्लाह ताला उसे जरूर इनायत फरमाएंगे, उसे मायूस नहीं करेंगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहि दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला, फिर आओ समझ रहा है इस बात को कि हम लड़के हैं, इस दिल से राज्य बन गए, बनी इसराइल एक रात आ गई बनकर बारह रात से बन गए, अरे आप तो बनी मजाक कर रहा था, बारह आदमी बारह खानदान बन गए, अरे खान खान के अलहदा अलहदा रास्ता बन गया, दरिया पार हो गए, फिर आओ चाहता है मैं दरिया में न जाता हूँ क्योंकि तुम मूसा के बरकत से दरिया में रास्ते बन गए, लेकिन अल्लाह ताला हलाक करना था उसे बर्बाद करना था, नबी की बद्दुआ हो रही थी उसे हमल कबूल हो गई, बेरोजी हो गई, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर नजर आ गया, दरिया के उधर की रौन है, उधर की रौन है, घोड़े पर सवार है, जब फिरौन का घोड़ा बेचैन होकर के दरिया में गिर जाता है तो तमाम लोगों ने घोड़े भी दरिया में डाल दिया, फिरौन की कौम का नाम इनकी है और हर कौम का नाम कौम का नाम बनी इसराइल है, तो उन्होंने अपने घोड़े डाल दिए क्योंकि उनको सजा कर दी, वहाँ का भरा दरिया यही क्यों है या दरिया इनके लिए बिल्कुल रास्ते को बंद कर देता है और ये हलाक हो जाता है, और फिरौन कहता है आमनु बिल्लाह रब्ब मूसा व हारून, यानी साफ ये कह रहा है कि मैं खुदा के ऊपर ईमान लाता हूँ, बल्कि लोगों को शकूक और शुभा को निकालने के लिए हर तक मूसा और हारून का नाम लेता है, मैं खुदा के ऊपर ईमान लाता हूँ जो मूसा और हारून का खुदा है। लेकिन मेरे मोहतरमा आप समझिए, ईमान मुबी बात का नाम है, ईमान मुशाहिदा का नाम नहीं है, फिरौन आखिर के नक्शे थे इसलिए उसका ईमान कबूल नहीं हो रहा था, और अल्लाह ताला का रचा माता अल्लाह अल्लाह अब भी ईमान लाता है कि तेरा ईमान काबिले कबूल नहीं है, इसकी बरकत से भाई हजरत मूसा कामयाब है, उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने बहुत ही कामयाबी और फतह पर देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से वादी मक्का में वादी कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान में मैदान होता है वो वादी, अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजर और हजरत इस्माइल को वादी मुझे तफसील हुआ क्या नहीं कर सकता हर आजाद सही कर सकते चश्मा हर
अगर जंगल में भी होंगे अल्लाह ताला जंगल में कामयाबी अता फरमाई, और अगर अल्लाह ताला की ना फरमानी हम बड़े बड़े मेहनत कर करने उसमें भी अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद कर दे। कुरान हकीम और नाकर दे ऊन की कौम का हरत बोध की कौम का क्या हाल हुआ, किस तरीके से बर्बाद किया। आप लोग खेती बाड़ी करते कौम सभा का हाल पढ़िए कुरान हकीम, लेकिन अगर कुरान हकीम तो क्या बात है, कुरान हकीम के पढ़ने वालों के पास ही नजर गवार नहीं करते बल्कि उन्हें गिरी निगाह से देखते हैं, गिरी निगाह से देखते हैं। इसलिए हम लोग इल्म से महरूम हो जाते हैं, जो लोग अनपढ़ गुलामा से मोहब्बत करते हैं उनसे ताल्लुक कायम करते हैं उनसे हकीकत करते हैं उन्हीं चाहे कौमों के अंदर बच्चे हाफिज हो रहे आलिम हो रहे हैं। क्यों दोनों मेरे बाप याद आती है मेरे शेख हाफिज नहीं सकता था हिंदी कोई भी जबान उठाते थे और अदब की जगह उठे रहते थे। आज अल्लाह ताला ने इन उनके हर में उनके के हाफिज है मुफ्ती है क्यों क्यों इस कागज का इसलिए एहतराम करते हैं कि इस कागज के ऊपर इल्म लिखा जाता है, इस कागज के लिए हमें तालीम हासिल होती है। तो जो गुलामों के जीने में उलूम नबूवत है उलूम रिसालत है, जब हम कदर करेंगे तो हमारे बच्चों के भी अंदर के ही उलूम नबूवत आएंगे नूर नबूवत के बच्चों के सीने में। मैं बच्चों को देख रहा हूँ इन तलबा को देख रहा हूँ जिनकी कसरत मैं ये भी सोच रहा हूँ ये बच्चे तो रात दिन बेचारे इतनी मशगले में चले गए इन्हें प्यार करने की जरूरत ही नहीं है, इनके साथ इनकी तारीफ के साथ तरबियत भी फरमाने ये हजार बराबर इतना तशरीफ फरमाए इनके सामने प्यार करते मुझे हया थी। और नहीं भाई महल के दूसरे हजार वो अपने महल के ईमान से तालीम हासिल कर दें तो मैं क्या कहता हूँ। ये तलबा है जो मेरे सामने बैठे हैं जिनकी कसरत है दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत कौमें हैं और हर एक कौम ये सोचते कि तेरे शर्म का कोई भी नहीं तेरे मुकाबले में कोई भी नहीं एक गलत बातें हो रही गलत प्रचार करने वाला अब वो साहब हमारे में कौन पढ़ा है गलत हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जिसके अंदर ईमान है तकवा है परहेजगारी है वो तो बहुत सुंदर बड़ा कौम का आदि है। अब तो गलत करने वाली ऊपर मकान गलत हमारे बनना हुआ पर वो अपनी बुराई मारी मैं बुला था मैं बुला था मैंने कहा अपने कहने से भाई बड़ाई नहीं होती है दूसरा आदमी तुम्हारी बड़ाई करे वो तुम्हारी बड़ाई है। तो ये तलबा की कौम है इस कौम को पढ़ कर दुनिया के अंदर कोई भी कौम नहीं है, ये वो कौम है जिसकी बरकत से आसमान पर मांगा है, ये वो कौम है जिसकी बरकत से जमीन मिलती है, ये वो कौम है जिसकी बरकत से दुनिया मिलती है। जब ये कौम नहीं है कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है इस आसमान के पैदा हुए इस तमाम पर जब ये कौम नहीं रहेगी कुरान और हदीस के पढ़ने वाले उलूम नबूवत को हासिल करने वाले नूर नबूवत को हासिल करने वाले अमले नबूवत को हासिल करने वाले नहीं रहेंगे जिनको हम गिरी ही नजर से देखते इस जमीन की भी इस धरती की भी है नहीं इजा दुख दकी लड़ो दंदन लगता मेरे मौत का भला अगर चाहते हो हम जब इस दुनिया में आ गए उन दिनों को तब तक है उस कौम की यानी तलबाए अजीब की हम फिक्र करें मदरसे में आए और मदरसे में आकर अगर आगे आटा ले लो
अगर गल्ले की हो गए गल्ला दे दो, अगर सर्दी करता है तो वो पहने। मैंने वो बस्ती देखी है कि जिस बस्ती में मदरसा था और बस्ती वालों को इतनी मोहब्बत करते थे। अगर लोग भी उसके यहाँ सबसे पहले लोग भी आ रही है तो सबसे पहले लोग भी वो मदरसे में अजीज के लिए भेज रहा। आज वो बस्ती वाले आते हैं और उनके मकाना जाकर देखो कोयल के मकाना उनके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। कोयल के मकाना उस घोर बस्ती वालों के सामने उनके मकाना है कि उन्होंने तलवार अली मेरे आका मौला जनाब मोहब्बत का सलूक का प्यार का हमदर्दी का इजहार आज भी अगर पसंद करेंगे अल्लाह ताला की रहमत हमारे अल्लाह अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करवाएंगे कोई सब भी कभी काम रखो और अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों को बुला दे। एक वक्त था मैं हाजिर हुआ था ये मदरसा था एक छोटे से घर में था खाना था समझो। आज मैं जो हाजिर हुआ था मैंने ये दारू तलवा ये तलवाए आई जो मैंने देखा ये खाना चाह के बजाय ये तो आदम खाक बन सकता है। अल्लाह ताला इसके भय को दूर दराज तक जारी जारी फरमाए आमीन। मौलाना के चाचा बन साहब ता हया इस इजारे की खिदमत के लिए कबूल फरमाए आमीन आमीन। सरकार कहेंगे कि जब आपके महीने में यह उलू में नबूवत का दरिया बहना शुरू हो गया नूरे नबूवत का दरिया जारी हो गया इस दरिया से पैदा होता हूँ और अपने बच्चों को इस घर से मैं याद रखो मेरा ये जुमला जिस कौम को हराम करना हो तबाह करना हो बर्बाद करना हो उधर घर बैठकर वह बैठने की जरूरत नहीं है। उस कौम के बच्चों को चाहे कौम हो हराम हो जाए। आज हमारे बच्चे जो है इनके हाथों में क्या है पतंग इनके हाथों में क्या है गोलियां इनके हाथों में पता नहीं पहलों के क्या सामान हो गए। इन बच्चों के हाथ में पेंसिल हो इन बच्चों के हाथ में कलम हो इन बच्चों के हाथ में तख्ती हो इन बच्चों के हाथ में दवा हो क्योंकि भाई भेजोगे ना मेरे बच्चों को इंशाल्लाह। तो वो बच्चे जो पतंगे उड़ा रहे हैं वो बच्चे जो बोल रहे हैं बजाय कुरान के वो बच्चों के हाथ काट देने के कारण अगर आपकी ईमान आती है वो हाथ मुकद्दस है पाक अविग्रह जिनके हाथों में कलाम उल्ला है जिनके सीनों में 1400 ताला आमान यानी कुरान हकीम है उन बच्चों के ऊपर फरिश्ते करते हैं उन बच्चों के ऊपर पूरे रस करके आप क्या समझ रहे हैं ये जो बच्चे ने किया ना आप तो समझ रहे हैं आप जो कि इमारत के लिए बैठे इन बच्चों के अनुहार आज मानों तक जारी आसमान के पूरे फिल्मान आसमान के कौम की नई तरीके से देख रही है जिस तरीके से हम आसमानों में अल्लाह ताला हमें बच्चों को तलवार अली की कदर करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। इबादत अच्छा हो तो आमीन। तो आदमी कोई कहता है अपने पास साहब है आदमी भूखा मरता है तेरे बच्चे भूखे मरते हैं तुम्हारे घर वाले भूखे मरते हैं तुम मेहमान ही रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तू इतना तंग कर तो बहन रखोगे अभी और मोहताज हो गए तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें हया नहीं आती कि इनके लिए लोग यकीन बोलो और अगर हया शादी का मामला है मेरा बहुत आना जाना है
लेकिन तुझे यहाँ पर वादा करना था इस बात है को अल्लाह का एहसान है पूरा अल्लाह तआला का वरना दिल साजा सब सब मैं ना हानि भर ली थी मैंने कहा था मेरे शेख से आज हाल में वो सब कहा था रहमत में डाल दे कोई एक परमात्मा कर वादा तो नहीं है इरादा आज यहाँ पर साधन आज